हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज़ नरेंद्र जुनेजा। तो आज मैं आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपसे रियलमी के अपकमिंग फ़ोन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि 20 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स चेक इट आउट। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि रियलमी बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पे बहुत मस्त मस्त फीचर के साथ अपने फ़ोन लॉन्च कर रहा है इंडिया में। इस बार भी वो इंडिया में अपने दो फ़ोन लॉन्च करने वाला है 20 अगस्त को, रियलमी 5 एंड रियलमी 5 प्रो। रियलमी 5 होगा वो रियलमी 3 का सक्सेसर होगा, और जो रियलमी 5 प्रो होगा वो रियलमी 3 प्रो का सक्सेसर होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर अभी अभी मैंने रियलमी एक्स ख़रीदा है तो मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? अभी अभी रिसेंटली जुलाई में रियलमी एक्स लॉन्च हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मामलों में रियलमी 5 प्रो आगे निकलेगा और कुछ मामलों में रियलमी एक्स आगे निकलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो रियलमी एक्स की प्राइस 17,000 से निकल के आई है, और रियलमी 5 प्रो की प्राइस अभी तक जो निकली है लीक्स के अकॉर्डिंग वो 15,000 पे है। 15,000 के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं तो वीवो Z1 प्रो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, उसको ये कम्पीट कर सकता है रियलमी 5 प्रो। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आपको रियलमी एक्स एंड रियलमी 3 प्रो में आपको सेम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, वो है 710, बट रियलमी 5 प्रो में आपको स्नैपड्रैगन 712 मिलने के चांसेस हैं पूरे, क्योंकि वीवो Z1 प्रो में वही है, वो भी 15,000 का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। कैमरे के बारे में बात करूँ तो रियलमी एक्स में ड्यूअल कैमरा है, बट रियलमी 5 प्रो में आपको क्वाड कैमरा मिलेगा, जो कि रियलमी की तरफ से बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। उसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, जो कि सोनी IMX586 होगा, जो कि आपको वन प्लस जैसे फ़ोन्स में आराम से देखने को मिलता है। दूसरे के बारे में बात करूँ, दूसरा अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, तीसरा मैक्रो लेंस होगा, और चौथा डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा। बैटरी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि रियलमी ने खुद कन्फर्म किया है, और इसमें वो चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको मेरी वीडियो उसी दिन मिल जाएगी जिस दिन ये रियलमी 5 एंड रियलमी 5 प्रो लॉन्च होगा। रियलमी 5 के बारे में बात करूँ तो रियलमी 5 10,000 की रेंज में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बनेगा, जिसमें स्नैपड्रैगन 665 होगा। बट MI की तरफ से भी एक फ़ोन आ रहा है 21 अगस्त को, जो कि स्नैपड्रैगन 665 के साथ आएगा, बट रियलमी पहली ब्रांड बनेगी जो स्नैपड्रैगन 665 के साथ अपना फ़ोन लॉन्च इंडिया में करेगी। इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलने की संभावना है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। एमुलेट तो आप भूल ही जाओ कि इस प्राइस रेंज में मिल जाए। इसमें आपको बड़ी बैटरी तो मिलेगी ही 5000 mAh की, जो कि रियलमी खुद ही कह रहा है, बट इसमें आपको वो चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा। तो मेन यही है कि 10,000 की रेंज में रियलमी 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बनेगा, और रियलमी 5 प्रो 15,000 की रेंज में बेस्ट स्मार्टफोन बनेगा। बस यही थी, आपको कुछ बताना था तो ये वीडियो मैंने बना दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ पता लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ज़रूर लाता रहता हूँ।